मध्य प्रदेश में राजनीतिक यात्रा पर अलग अलग शहरों के लिए निकले पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक युवक ने स्याही फेंकी। स्याही फेंकने के बाद खड़े कार्यकर्ता और हार्दिक के सुरक्षा में लगे गार्ड ने आरोपी युवक की पिटाई कर दी। हालांकि कॉन्फ्रेंस में हार्दिक ने युवक को माफ करने की बात कही। प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रहे पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल शनिवार मेघदूत होटल में प्रेस से मिलने के लिए पहुंचे थे। अपने तय समय से करीब 2 घंटे देरी से पहुंचे, जिसके बाद उनका स्वागत करने के लिए उज्जैन के कांग्रेस नेता सहित अन्य लोग होटल के बाहर ही खड़े थे। जैसे ही हार्दिक होटल के बाहर गेट तक पहुंचे ही थे कि गुर्जर समाज के महासचिव बताने वाले मिलिंद गुर्जर ने हार्दिक पटेल के मुंह पर स्याही फेंकने की कोशिश की। हालांकि स्याही मुंह के साथ साथ हार्दिक के कपड़ों पर भी गिरी, जिससे उनके कपड़े गंदे हो गए। घटना के तुरंत बाद हार्दिक के सुरक्षा गार्ड और कार्यकर्ताओं ने मिलिंद की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद आरोपी युवक को नानाखेड़ी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं आरोपी को हार्दिक ने माफ भी कर दिया। इधर आरोपी मिलिंद ने कहा कि हार्दिक समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने स्याही फेंकी है और मुझे किसी पार्टी ने नहीं बोला स्याही फेंकने को। प्रेस से बात करते हुए हार्दिक ने कहा कि जो पार्टी किसानों की हित की बात करेंगी, मैं उनके साथ हूँ। घोटाले का पर्दाफाश करने मध्य प्रदेश की यात्रा पर निकला हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया नौजवान है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। विकास के माहौल का पर्दाफाश करने आया हूँ। एमपी में किसानों को अनाज का दाम नहीं मिल रहा है, नर्मदा व्यापम घोटाले भी लोगों के सामने रखने हैं। देखो, हम मेरा ये प्लान है, जो मालवा और निमाड़ की 64 सीटें हैं, वहाँ पर जाकर लोगों से मिलना, उनके जो परेशानी उसको समझना, वो सारी परेशानी गवर्नमेंट और विपक्ष दोनों तक पहुँचाना। जो भी पार्टी उनके हितों की बात करेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और सिर्फ एक ही काम करेंगे, जनता को जागरूक करना।